एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्टिनाज एक्टिविटी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो और मैं भी अच्छी ही हूँ। ये नहीं बोलूँगी कि अच्छी नहीं हूँ या हूँ ठीक ठाक। इट्स ऑलमोस्ट 20 days, 20 दिन बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। मैं 20 days में वीडियोस नहीं डाली, मीन्स बहुत कुछ खो बैठी इन 20 days में। एक्चुअली 2023 बहुत बहुत अच्छा जा रहा था हम लोगों का। एट लास्ट द मंथ ऑफ दिसंबर, इट वाज अ डिज़ास्टर मंथ फॉर अस। मींस क्या ही बोलूँ आप लोगों से, कहाँ से शुरू करूँ और क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरे वीडियोस में जो रेगुलर देखते हैं, मंथ के स्टार्टिंग में, दिसंबर मंथ के स्टार्टिंग में मैं काफ़ी दिन बहुत इरेगुलर हो गई थी वीडियोस लेकर। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड की मम्मी, वो बीमार थी और आप लोग जानते हो वो कभी मेरे वीडियोस में आप लोग नहीं देखे होंगे उन्हें। वो कैमरा फ्रेंडली नहीं थी, मैं काफ़ी बार उन्हें इंसिस्ट की बट शी वॉज़ नॉट ओके। तो मैं ऑकवर्ड नहीं फील करवाना चाहती हूँ किसी को भी, प्रेशराइज करके मेरे वीडियोज़ में आओ या मेरे साथ कैमरा के सामने आओ। शी वॉज़ नॉट ओके। तो आई वॉज़ वेटिंग अनटिल उन्हें जिस दिन मन करे, नहीं आई शुड। बट दिसंबर मंथ हमारे फैमिली के लिए वॉज अ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मीन्स अ ह्यूज लॉस फॉर आर फैमिली। एंड 80 में लास्ट व्लॉग शायद अपना एनिवर्सरी का व्लॉग डाली थी, 14 दिसंबर का, आई थिंक सो। उसके बाद थिंग्स वर गोइंग वेरी बैड, स्लोली मेरी मदर इन लॉ सीरियस होने लगी। एंड 18 दिसंबर वॉज दैट डे, यस 18 दिसंबर वी लॉस्ट हर। एंड क्या ही बोलूँ, लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक रियली। इट्स ऑलमोस्ट 20 days, बट वो चीज़ मेरे ध्यान से जा ही नहीं रहा है। लाइक हमारा रिलेशन ऐसा था हम दोनों का, मैं ये नहीं बोलूँगी वी वर परफेक्ट, परफेक्ट बॉन्ड ये तो कभी ना बोलूँ। एज इफ यू ऑल नो मैं दिखावा का चीज़ नहीं बोलती हूँ ना करती हूँ। हम दोनों का रिलेशन एक चटनी, जानते हैं ना एक चटनी, खट्टी मीठी उस टाइप का ही था। बट स्टिल वी हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या ही बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे अलावा मुझे छोड़ के बिना मेरे वो डिसीशन कभी नहीं लेती थी। मीन्स शी हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन मी, बिलीव ही बोलूँ तो। उनको अगर कोई कुछ, बहुत डिपेंडेंट थी मेरे ऊपर फ्रॉम द टाइम आई एम मैरिड। एंड माँ बेटी का रिलेशन भी ना बोलूँ, वी वर लाइक अ फ्रेंड, शी वॉज अ चाइल्ड, एक चाइल्डिश चीज़ था उनके अंदर, एक बच्चा ही बोलूँ। मैं तो उन्हें बोलती भी थी तो बचकाना हरकत करती रहती थी। तो हाँ, आज के दिन भी दैट मिसिंग इज़ नॉट गोइंग। मैं धीरे धीरे हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ में आ ही रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ भी बैक टू वर्क, हस्बैंड बैक टू वर्क, मुझे भी बैक टू वर्क तो आना ही है बिकॉज दिस इज़ लाइफ। मैं काफ़ी दिन खुद को रोकना चाही, लाइक आई वॉज कुछ भी मन ही नहीं कर रहा था, लाइक कुछ भी करूँ। इस साल ना क्रिसमस सेलिब्रेट की, ना न्यू ईयर, 1st January मेरी बेटी का बर्थडे भी था। दिस वॉज द फर्स्ट ईयर हर ग्रैंड मदर वॉज नॉट देयर विद हर। एंड रियली वी वेंट थ्रू अ बहुत बुरे दिन से हम लोग गुजरे हैं। शायद आप लोग समझ पाएंगे हमारा फीलिंग्स क्यों। आई डोंट नो सास और बहू का रिलेशन सब कैसे समझते हो, किस नज़र से देखते हो, बट मेरा नज़रिया और मेरी सास का नज़रिया, वी वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सास एंड बहूज। वी वर टोटली डिफरेंट।
मीन्स हमारा ना एक वो फ्रेंड वाला रिलेशन था, मीन्स पोक करना, पीछा लगना, लाइक माय इन लॉज, लाइक आई एम द ओनली डॉटर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड एक ही बेटा है, तो हम लोग में कभी वो सास ससुर बहू दामाद इवन माय मदर वो रिलेशन कभी था ही नहीं, हम लोग एक फैमिली जैसा थे। मीन्स मेरी शादी के टाइम से द डे आई एम मैरिड कहीं ट्रिप पे जाना, कहीं घूमने जाना, ईयर में दो बार तो जाती ही थी हम लोग कहीं जाना, ये दिसंबर भी हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, तो पता नहीं हस्बैंड को लीव नहीं मिला था उस समय तो भी कैंसिल करना पड़ा वो प्लानिंग्स, बट गॉड्स शायद वो वैसे भी कैंसिल हो ही जाता सास की बीमार होने पे एंड दिस ऑल दिस हैपेंड। बट यस प्लीज़ उनके लिए आप सब प्रे करो, ये चाहती हूँ। एंड आई एम रियली फीलिंग बैड, आज भी ख़राब लग रहा है बिकॉज आई हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज विद द लॉट्स एंड लॉट्स, बिकॉज शी वॉज मोर देन अ मदर इन लॉ टू मी एंड आई वॉज मोर देन अ डॉटर इन लॉ टू हर, तो इससे ज़्यादा बस और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। आई जस्ट होप आप लोग भी प्रे करना उनके लिए एंड प्रे फॉर माई फैमिली, प्रे फॉर माई फैमिली, इस वक्त सबकी प्रे की बहुत ज़रूरत है। जस्ट प्रे दैट वी ऊपर वाला मीन्स हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रखे, शक्ति दे, 20 days होने के बाद भी लाइक हम लोग नॉर्मल नहीं आ पा रहे सही से, प्लीज़ प्रे करना आप लोग। And I hope very soon I'll be bringing up new videos. मैं अपना normal life start करना चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, आप लोग please साथ देना, support करना मुझे, and thank you. Hope so you all understand my feelings. हाँ आप लोगों ने मेरे mother in law को देखा तो नहीं होगा, I'll add some photos वगैरह मैं add करूँगी, चाहो तो आप लोग देख सकते हो। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग, आई होप आप लोग समझोगे।